बच्चों, आज हम क्लास सिक्स में पाठ एक शब्द परिचय का अभ्यास करेंगे। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, उसको पढ़ाया था। मैंने आपको शब्दार्थ लिखने का अनुभव किया था। फिर उसके बाद मैंने 21 शब्द लिखवाए थे पुल्लिंग के, जिन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं और उनका हिंदी अनुवाद क्या होता है वो लिखने के लिए दिया था। आज हम अभ्यास करेंगे। सब बच्चे अपनी संस्कृत की किताब रुचिरा में पाठ एक का अभ्यास निकालेंगे। पेज नंबर है 3। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत यानी बोलना है। ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं इन्हें पढ़ना है, उच्चारण करना। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। छात्र है, पढ़िए मेरे पीछे पीछे। छात्र है, गजह, घटह, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, बिड़ाल, अश्व, शुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। ठीक है बच्चों, पन्ना पलटिए, पेज नंबर 4 पर आइए। ये चित्राणि दृष्ट्वा, पढ़िए मेरे साथ प्रश्न। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि यानी चित्रों को, बहुत सारे चित्र है ना, इसलिए चित्राणि आया है। चित्रों को दृष्ट्वा, देख करके, पदानि शब्द यानी पदानि यानी शब्दों को उच्चार्यत, उच्चारण करो। देखिए पहला, पहले में कृषक दिखाया गया, किसान, तो पढ़िए मेरे साथ। कृषक, वृषभ। वृषभ सांड नहीं होता है बच्चों, बैल को कहते हैं। भल्लुक, मंडूक, कपोत, पर्यंक, दूरभाष, काक, सौचिक। सौचिक है, देखो दर्जी है। अब सब बच्चे प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 2 का क्या है? वर्ण संयोजनी, पढ़िए मेरे साथ। वर्ण संयोजनी पदम लिखत। वर्ण संयोजनी पदम लिखत का अर्थ होता है वर्णों के संयोजन से, यानी वर्णों को मिलाने से। पदम शब्द, लिखत लिखो, वर्णों के मिलाने से शब्द लिखो। देखिए बच्चों, पहला है, यहाँ पे दे रखा है च, च में फिर श, श में आ मिला, श बना, क में अ मिला, क बना, और विसर्ग दश के है। ठीक है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। दूसरे से देखेंगे, स औ सऊ, च में एक मिला चि, क में अ मिला, के विसर्ग सौचिक। सौचिक किसे कहते हैं बच्चों? दर्जी को। किसे कहते हैं? दर्जी को। सब खालिस्तान में अपने किताब में पेंसिल से फटाफट पढ़े सौचिक। अब तीसरा देखिए, शुक श में उप मिला, शुक न, न प्लस अ, न ने, क प्लस औ, कौ, शुनकौ। शुनकौ कहते हैं बच्चों दो कुत्तों को। शुनकौ किसे कहते हैं? दो कुत्तों को। अगला देखिए, ध प्लस आ, धा, व में अ जुड़ा व, वे, त में अ जुड़ा त, विसर्ग धावत, धा व त। फटाफट लिखिए, क्या छूट गया तो वीडियो पॉज करके देख सकता है। आगे देखिए, अगले पन्ने पे पेज नंबर 5 पर आ जाइए। वृक, व में ऋ से ऋषि की मात्रा मिली तो वृक, द अकेला है तो द लिखेंगे, आ नहीं है इसलिए द आधा ही रहेगा, धा। अब ऐसे धा को ऐसे दर्शा सकते हैं, ध नीचे आएगा। मैंने बताया था
जो वर्णों में जो ऊपर होता है वो आधा होता है, जो नीचे होता है वह वर्ण पूर्ण होता है। वृद्धा। ग में आ है जुड़ेगा गा, य में अ जुड़ेगा ये, न आता ति, गायंती। क्या क्या हो गया? गायंती। बच्चों अगर किसी का पीछे रह गया है तो वीडियो को पॉज करें और ये फटाफट भरें। बच्चों आप लोगों ने दूसरे प्रश्न का क्या कर लिया होगा, अब खे पर आएंगे। देखिए खे है मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत्। पदा नाम यानी शब्दों का वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद प्रदर्शन करना है। मैंने जब अपनी पढ़ना शुरू करा था उससे पहले एक कक्षा में आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताया था, और अभी इससे पहले वाले को वर्ण विच्छेद को शब्द बनाना सिखाया था। अब यहाँ पे अपने को शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। देखिए किताब में देखिए, ध्यान दीजिए। पहला शब्द है लघु, उसका वर्ण विच्छेद करा है ल प्लस ए भ प्लस उ प्लस विसर्ग, लघु। दूसरा शब्द है अपने पास सीव्यति। मैंने बताया था कि वर्ण विच्छेद करने समय हमें उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर बढ़ना होता है। सबसे पहले क्या लिखा है? सी। सी को कैसे लिख सकते हैं? स। स के नीचे हलन, स के नीचे हलन स, बड़ी की मात्रा है तो ई। अब देखो वह आधा है तो सिर्फ वह लिखेंगे, इस वह आधा इसलिए यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे कोई स्वर नहीं आएगा। य पूर्ण है इसलिए य प्लस ए। प्लस एक सी व य ति। ठीक है अगला देखिए, वर्णा व प्लस अ व बना। मैंने बोला था अपन जैसे बोलते हैं वैसे ही चलना है। वर्णा, व के पास क्या की आवाज आ रही है? र की आवाज आ रही है तो र लिखेंगे। मैंने फिर बता रहा हूं कभी भी दो व्यंजन जब एक साथ होते हैं तो ऊपर जो व्यंजन दिया हुआ होता है वो आधा होता है और नीचे जो व्यंजन होता है वह पूर्ण वर्ण पूरा व्यंजन होता है। स्वर हमेशा नीचे वाले व्यंजन में जुड़ता है न कि ऊपर वाले व्यंजन में। र ऊपर उड़ा है इसलिए र आधा ही आएगा। वर, ये वर हो गया, र पर उड़ा। ना, अण प्लस आ और विसर्ग, ढंग से बनाइएगा विसर्ग बच्चों। वर्णा। अगला देखिए कुकुरव, द्विवचन है बच्चों ये। कु क प्लस कु, कु हो गया। फिर इस क पे आते हैं, एक अकेला है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं जुड़ेगा। को फिर से को तो रहु को क्या था? को रहु, रहु को दो कुत्तों को कहा जाता है। बच्चों अगले पे आइए फटाफट, चलिए किसी का छूट जाए तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा। मयूरा। कैसे? म प्लस ए, मैं बनता है यू, बड़े हो की मात्रा है तो य में बड़ा हो यू। रा, मयूरा। ठीक है बच्चों आगे देखिए, बालक है, बालक है ब प्लस आ ल प्लस अ, क है क प्लस अ और विसर्ग, ये हो गया बालक है। अगर किसी बच्चे का छूट गया है मैं वापस बोलता हूँ, वीडियो को पॉज करें
और ये सब लिख लीजिए अपनी किताब में। बच्चों अब प्रश्न नंबर 3 पर आए, मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। उदाहरण दृष्टवा, उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण दृष्टवा यानी उदाहरण को देख करके, उदाहरण दृष्टवा यानी उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को पूर्यत पूरा करें। उदाहरण कौन सा है? यथा, यथा वाला उदाहरण है। चषक है, चषकाऊ, चषका। मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई थी उससे पहले एक क्लास में बताया था शतरूप चलते हैं, जो पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं और नपुंसकलिंग शब्द हैं, उनकी एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्द रूप चलते हैं। तो ये एकवचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। पहला दे रखा है, दूसरा अपने को बाकी करने हैं। दूसरे नंबर पे देखिए, खालिस्तान, बलि वर्दौ, खालिस्तान बलि वर्दौ द्विवचन है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? बलि वर्द। भरिए मेरे साथ, बलि वर्द। बलि वर्द किसे कहते हैं बच्चों? अपने पाठ में आया है बैल को, बलि वर्दौ दो बैल, बहुत सारे बैल होंगे तो क्या कहलाएंगे? बलि वरदा। बढ़िए, बलि वरदा हो गया। आगे देखिए, शुनक है, शुनक है किसे कहते हैं? एक कुत्ते को, शुनकौ। दो को क्या कहेंगे? शुन कौ, और बहुत सारे होंगे तो शुनका। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए अगले वाले में, खालिस्तान, खालिस्तान मृगा। एक वचनम और द्विवचनम नहीं दिया हुआ है, बहुवचनम दिया हुआ है। क्या दे रखा है? मृगा। तो एक वचनम क्या होएगा? मृग। ठीक है, द्विवचनम क्या होएगा? मृगौ। बड़ी ध्यान से, मृग है, मृगौ, मृगा आपने बहुत दे रखा है। अब अगले पर आइए, एक वचनम नहीं है अपने पास, द्विवचनम है, सौचिकौ, और बहुवचनम नहीं है। सौचिकौ यानी दो दर्जी, एक दर्जी को क्या कहेंगे? सौचिक। बड़ी फटाफट, सौचिक द्विवचनम पे सौचिकौ, और बहुवचन का आ जाएगा सौचिका। विसर्ग लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे एक वचन पे मयूर है दे रखा है, द्विवचन भरेंगे मयूर, और बहुवचन का आ जाएगा मयूरा। ऐसे अपने को भरना है। ठीक है बच्चों, अगर किसी का कुछ छूट गया है तो वीडियो को अभी पॉज करें और भरें इसको देखकर। हो गया, अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं अपन। देखिए किताब में, चित्राणि दृष्ट्वा, पढ़िए मेरे साथ, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत प्रधानि लिखत। चित्रों को, चित्राणी यानी चित्रों को, दृष्टवा यानी देख करके संस्कृत पदाने संस्कृत के पदों को लिखत लिखिए। पहले देखो, पहले में क्या दर्शाया गया? हाथी। हाथी को क्या कहते हैं बच्चों? गजब। मैं यहां लिख रहा हूं, पढ़ लीजिए, गजब। दूसरा है कौवा। कौवा को देखो, ये देखो, ये लिखा काके है। क्या कहते हैं? काक्य है। तीसरा देखिए, चांद दे रखा है, चंद्र। ठीक है, पन्ना पलटिए। अब देखिए, ताला दे रखा है, इसे कहते हैं ताल।
ठीक है बच्चों, अगला देखिए। एक भालू दे रखा है, भालू को कहते हैं भल्लूक। भ लाता लू कह, ठीक है। और आखिरी में दे रखी है, एक ये जो चित्र है वो एक बिल्ली का है, बिल्ली को अपन क्या कहते हैं, बिड़ाल। ये आपके 6 उचित नाम दे दिए, गजह, पाप, चंद्र, ताल, भल्लुक, बिड़ाल। ये आप लोगों को भर लेना है, ठीक है। आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे।